हेलो हाँ, स्टूडेंट वेलकम टू आफ्टर क्लास एम जी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए तो स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम के बारे में ये एक बड़ी अपडेट है एम जे यूनिवर्सिटी की नई शिक्षा नीति के बारे में जो गाइडलाइन जारी हुई थी तो काफ़ी लोग समझ नहीं पा रहे थे और काफ़ी बच्चे इसमें मिथ में थे कि, कि इसका नया जो गाइडलाइन जारी हुआ है ये कभी लोगों ने जैसे उनको बता दिया वैसा हो मतलब वो समझ रहे थे तो मैं आपको बताऊँ क्या क्लियर नया गाइडलाइन है और क्या क्या संशोधन किए गए थे वो पूरा डिटेल में बताऊँगा एम जेपी यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है उससे पहले मैं आपको बताऊँ ये थोड़ा सा वीडियो लेंथी होने वाला है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ आपके थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड आपके माइनर सब्जेक्ट या मेनर सब्जेक्ट जो भी हैं थर्ड सेमेस्टर में बढ़ने वाले कंपलसरी सब्जेक्ट जो भी भरने हैं वो कैसे भरे जाएंगे उसकी फीस क्या होगी क्या उसका प्रोसेस है कैसे कैसे आपको गलतियाँ नहीं करनी है कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है जो कि आपके रिजल्ट में दिक्कत दे दे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपकी परसेंटेज कैसे निकाली जाए बच्चे परेशान हैं मैंने वीडियो बना रखा था फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सर कितने परसेंटेज पे हमारी फर्स्ट आएगी कितने परसेंटेज पे हमारी सेकंड आएगी और क्या हम पास हुए हैं नहीं हुए हैं और कितना अगर परसेंटेज एस पी जी कम होगा तो हम कैसे पास होंगे क्या है तो मैं बता दूंगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड बी ए बी सारे समझ लीजिए कि कितना कैसे परसेंटेज निकाला जाएगा सबसे पहले मैं आपको पहले ही ये बता दूं एम जी यूनिवर्सिटी का ये अपडेट बहुत ही मोस्ट है तो आप ध्यान से समझ लीजिए ये आपके थर्ड सेमेस्टर में फॉर्म भरने के काम में भी आएगा और आपको बताएगा कि जो आप सोच रहे हैं ना उससे कुछ अलग ही नई शिक्षा नीति है तो नई शिक्षा नीति ने एम जे यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइन जारी की है वो पूरी विस्तार से बताऊँगा क्या गाइडलाइन थी कैसे कैसे एम जे यूनिवर्सिटी ने बताया था और क्या क्या नया बदलाव किया गया है और आपको कितने सालों में ये बी ए बी पूरा करना ही होगा नहीं तो आपका पूरा का पूरा डिग्री बेकार हो जाएगा पहले ये मिथ्य था कि आप बस एक बार एडमिशन लीजिए और दो ए, एक सर्टिफिकेट पढ़ लीजिए मतलब एक एक साल पूरा कर लीजिए उसके बाद में आप जब चाहें जब उसका एडमिशन ले सकते हैं दो तीन चार पाँच साल बाद तो आप उसके बाद में कंटिन्यू आगे पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन ऐसा मिथ्य गलत है ये जो भी रूमर उड़ाया जाता है सब बेकार ही है सब बेकार की बात है एम जी बी ने जो गाइडलाइन जारी की है वो कुछ अलग ही कह रही है तो वो गाइडलाइन क्या है और कैसे आप थर्ड सेमेस्टर में अपने नए नए सब्जेक्ट जो आपके बताए जा रहे हैं वो कौन से सब्जेक्ट भरने होंगे और कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे पूरी जानकारी बताऊँगा क्या आपकी फीस है ये भी एक पूरी वीडियो में आप बने रहिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि परसेंटेज ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे निकाला जाएगा तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था आपने शायद दिखा ना हो लेकिन फिर भी मैं समाज दिखा देता हूँ आपको कि किस प्रकार का एक वीडियो देखिए आप मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं आपको एस या वाई जीपीए

सेमेस्टर है मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेमेस्टर वाइज चल रहा है तो उसमें कैसे क्या आप बैक एग्जाम कैसे भरे जाएंगे फॉर्म और कैसे लगातार बैक आने पर आपकी डिग्री निरस्त हो जाएगी पूरी जानकारी दूंगा देखो ये पहले पढ़ लेते हैं साल में करना होगा स्नातक तो इसमें देखिए विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति का अध्यादेश जारी किया है और कुछ संशोधन भी किए हैं तो यहां पर देखिए यहां पर लिखा है महात्मा माति रोयलखंड विश्वविद्यालय ने छात्रों को स्नातक छह वर्ष में हर हार में पूरा करने का होगा तीन साल के लिए स्नातक जो है पाठ्यक्रम दिए गए उसका दुगने समय में वो पूरा कर सकते हैं मतलब जैसे कि अगर आप बैक लग जाते हैं आपके तो यहां पर देखिए क्या लिखा है कि विश्वविद्यालय ने परिषद ने बाईस अक्टूबर सौ को बैठक के अनुमोदित नई शिक्षा नीति मेंजार बीस में अध्यादेश जारी किया और उसके द्वारा उन्होंने बताया था यहाँ पे चलते जो भी संशोधन किए गए मैंने आपको बताया था कि क्या है उसमें तो देखिए

पांच प्रश्न पत्रों में बैक लगने पर भी अगले वर्ष में मिल जाएगा प्रवेश ये कुछ नया है बहुत अच्छा लगा मेरे को एम जी पी यूनिवर्सिटी का नया गाइडलाइन में उसके बाद में इन्होंने ये वी ये भी साफ कर दिया कि आप कैसे बैक का ऑर्ड इन ऑर्ड का मतलब अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैग लगाए तो उसका थर्ड सेमेस्टर में पेपर होना है ये पूरा आप जानकारी आराम से आप सुकून से पढ़ लीजिए एम जी यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर भी ये जारी किया है कैसे परसेंटेज कितने परसेंटेज पर हम कितने लोगों को फर्स्ट बताएंगे सेकंड बताएंगे उसका भी मैं आपको बताऊँगा देखिए आप ये देखिए एम जे यूनिवर्सिटी ने यह पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है अमृत विचार ये मैंने कटिंग आपको दिखाया है इसमें पूरा का पूरा अमृत विचार में यहां पर स्पष्ट हो रहा है देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि अगर उस समस्टर यहां पर देखिए एक नीचे से देखिए नीचे की साइड यहां पर मैंने एक स्पेश लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यदि वह अधिकतम किसी भी सब्जेक्ट जो क्रेडिट पेपर है उसमें अगर वो फेल हो जाता है तो ठीक है यहाँ पे आपको बैक पेपर देना होगा उसके बाद में अगर आप दो विषय में तीन दो तीन नंबर का ग्रेस मिल रहा है तो ग्रेस का आपको बैक पेपर नहीं देना होगा काफी बच्चे इसमें परेशान है कि सर ग्रेस का भी पेपर होगा तो ग्रेस वालों का पेपर नहीं होगा परंतु बैक का और एन नॉट क्लियर लिखा हो रहा है अगर आपका फिजिकल एजुकेशन या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड जो भी आपके सब्जेक्टेड है उसमें अगर लिखा रहा है नॉट क्लियर तो उसका आपको पेपर दोबारा से देना होगा अब मैं आपको एक बता दूं कि इसमें क्या क्या स्पष्ट ये हो रहा है कि देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आपका सी के आधार पर परिणाम जारी किए गए हैं जिसमें अगर आठ दशमलव जीरो से अधिक है तो आप फर्स्ट सबसे अधिक है आठ दशमलव ठीक है तो एट पॉइंट जीरो सबसे अधिक है उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि अगर आप फर्स्ट फर्स्ट पास हुए हैं प्रथम श्रेणी में ऑनर्स के साथ पास हुए हैं तो आपका सिक्स छः से अधिक होना चाहिए ठीक है उसके बाद में चार दशमलव पाँच से नीचे सबसे फिर उसके बाद में यहाँ पे दिखाया गया है कि छः दशमलव चीन से कम होने पर द्वितीय और तीन दशमलव मतलब छः से नीचे थ्री पॉइंट फाइव तक यहाँ पे सेकंड डील दिया गया यहाँ पे पाँच सब से छः से या द्वितीय थर्ड सेमेस्टर पांच और छह के बीच में यहां पर मतलब थर्ड जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे पहले आता था, था फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वो इस प्रकार से निर्धारित होंगे अब आपको परसेंटेज के ऊपर अगर देखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मैंने आपको वो फार्मूला बता रखा है तो उससे आप जाके परसेंटेज का आराम से रेशियो निकाल सकते हैं अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी फीस क्या है थर्ड सेमेस्टर की देखिए देखिये तो काफी बच्चे परेशान है कि सर फीस और बता दीजिए देखिए आपके बैक पेपर पेपर का भी आपको फीस अलग से पे करना होगा ये फाइनली है ठीक है और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कहीं रुपए है उन्नीस सौ पचास रुपए है तो ये कॉलेजेस का अलग अलग आ रहा है तो तो आप पहले से सबसे पहले अपने कॉलेज में देखिए कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उसके अकॉर्डिंग ही फीस चेंज आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज का हैं तो आपका फीस कम होगा नहीं तो आप उन्नीस सौ पचास रुपये दो हजार रुपये सत्रह सौ पचास रुपये ये फीस अपना पूरा फिक्स मान के चलिए कोई बे सब्जेक्ट या गवर्नमेंट कॉलेज का है तो उसमें सत्रह सौ पचास रुपये का फीस है कहीं उन्नीस सौ पचास रुपये का फीस है तो सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट जो आपकी भरने हैं ना फॉर्म में वो अपने कॉलेज से बात कर लीजिए क्योंकि संशोधन में फिर बड़ी दिक्कत होती है फिर आपको जो नहीं पढ़ना होता उसका भी पेपर देना होता है तो फिर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो सबसे पहले आप कॉलेज में मैंने पहले ही बताया था कि आराम से अपने कॉलेज में बात कीजिए उसके बाद में ही आप फॉर्म भरिए और फीस कट कीजिए ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट थैंक यू फॉर कमेंट थैंक यू फॉर सपोर्ट थैंक यू स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा थैंक यू स्टूडेंट